हेलो दोस्तों, देसी कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट के लिए और बिहार स्टेट टेट के लिए क्विक रिवीजन है स्पेलिंग टेस्ट का। यहाँ पर मैंने दो दो स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं जिनमें आपको बताना है कि दोनों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी। ये मैंने ऐसी स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और आप इन्हें जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है और कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को और जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम स्पेल इट राइट, यानी यहाँ पर जो दो दो स्पेलिंग्स हैं आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि इनमें कौन सी स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है और कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर हमारी करेक्ट है। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा, वो है अकेजन। अब अकेजन में हमने यहाँ पर दो स्पेलिंग लिखी है, एक है ओ डबल सी ए डबल एस आई यू एन एंड सेकेंड है ओ डबल सी ए एस आई यू एन, यानी एक में डबल सी डबल एस है और एक स्पेलिंग में डबल सी और सिंगल एस है। आप जल्दी से कमेंट करके इतना बता दीजिए कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है और कौन सी स्पेलिंग हमारी राइट होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखें, तो हमारी जो अकेजन की स्पेलिंग होती है वो होती है डबल सी और सिंगल एस, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग है दोस्तों ये राइट है और ये वाली आपकी स्पेलिंग रॉन्ग होगी। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, ये हमारा वर्ड है विलेन। विलेन होते हैं मूवी वगैरह में आपने देखे होंगे विलेन और हीरो जो होते हैं, लेकिन विलेन की स्पेलिंग क्या होती है। फर्स्ट स्पेलिंग है वी आई डबल एल ए आई एन और इसमें लिखा है वी आई डबल एल आई ए एन। आप जल्दी से कमेंट करके इतना बता दिए कि आई ए आई एन आता है या आई ए एन आता है विलेन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग होगी ये होगी आपकी रॉन्ग और विलेन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है वी आई डबल एल ए आई एन विलेन, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड स्पेलिंग है वो है अकोमोडेट। अकोमोडेट में आपको देखना है डबल सी डबल एम, यानी यहाँ पर सिंगल सी है ए सी ओ डबल एम ए डी ए टी और यहाँ पर है डबल सी और डबल एम। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इतना बता दीजिए कि इन दोनों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है और कौन सी स्पेलिंग हमारी करेक्ट होगी। तो दोस्तों, जो अकोमोडेट की स्पेलिंग करेक्ट होती है वो होती है डबल सी और डबल एम, यानी कि हमारी यहाँ पर ये ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी करेक्ट होगी और ये जो स्पेलिंग होगी सिंगल सी और डबल एम वाली ये होगी रॉन्ग। नेक्स्ट है स्पेलिंग नंबर फोर, अक्रेंस ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी और ओ डबल सी यू डबल आर ए एन सी। तो इन दोनों में कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी, क्या अक्रेंस में ई एन सी आता है या ए एन सी आता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिस वर्ड के अंत में सफेद से ई एन सी ई या ए एन सी ई लगा होता है ये आपके नाउन होते हैं, आप याद रखिए। कई बार वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्ड फॉर्मेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो वो आप ध्यान रखें। और यहाँ पर जो एस आई यू एन है ना, ये जिस वर्ड के अंत में होता है ना ये भी आपका नाउन ही बनता है, याद रखें। ठीक इसी तरह आपके एम ई एन टी है ये सफिक्स भी आपका नाउन बनाता है और टी आई ओ एन आता है ये भी आपका नाउन बनाता है। तो इस तरह के कुछ सफिक्स याद कर लीजिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे परीक्षा में। चलिए तो अकरेंस की स्पेलिंग को हम ध्यान से देखें, तो अकरेंस में आपका ई एन सी ई आता है, तो ई एन सी ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी करेक्ट होगा और ये स्पेलिंग होगी रॉन्ग, ओ डबल सी यू डबल आर ए एन सी। इसके साथ साथ एक वर्ड है नया फिफ्थ नंबर का, ट्रूली। ट्रूली की स्पेलिंग आप ध्यान से देखें, ट्रू, ट्रू क्या है आपका एडजेक्टिव है, याद रखिए, ठीक है। एडजेक्टिव में आप एल वाई लगाने से क्या बन जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाता है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, टी आर यू ई एल वाई होगा या टी आर यू एल वाई होगा करेक्ट स्पेलिंग, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो टी आर यू ई एल वाई है ये होगी रॉन्ग और टी आर यू एल वाई ट्रूली ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट है सिक्स नंबर का वर्ड है फोर्टी। फोर्टी मतलब होता है चालीस, फोर जीरो फोर्टी। तो फोर्टी की आपको बताना है स्पेलिंग, नॉर्मली एफ ओ यू आर फोर फोर होता है, इसके साथ आप टी वाई लगाने से आपका ये फोर्टी नहीं बनेगा, ये स्पेलिंग रॉन्ग होगी और जो फोर्टी की करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है एफ ओ आर टी वाई। नेक्स्ट है दोस्तों
वर्ड नंबर 7 परस्यू। परस्यू की दो स्पेलें हैं पी यू आर एस यू ई और पी ई आर एस यू ई। ये बताना है कि परस्यू में यू आएगा या ई का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो पी यू आर एस यू ई जो होता है वो होता है आपका करेक्ट है ये, और ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग होगी। ओके, वर्ड नंबर 8 है आपका। वर्ड नंबर 8 में क्या है, आर्गुमेंट है। अभी मैंने आपको बताया जिस वर्ड के अंत में एम ई एन टी आता है वो आपका नाउन होगा। तो आर्गुमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ए आर जी यू ई या ए आर जी यू एम ई एन टी। ई को अमिट किया जाएगा यहाँ से या नहीं किया जाएगा ये बताना करेक्ट स्पेलिंग। तो 8 नंबर में जो आर्गुमेंट में करेक्ट स्पेलिंग होगी ये आपकी रॉन्ग होगी आर्गुमेंट, और जो करेक्ट स्पेलिंग होगी आर्गुमेंट की वो होगी ए आर जी यू एम ई एन टी। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपीयर। डिसअपीयर डी आई डबल एस या डी आई एस, ये बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी डिसअपीयर की। तो यहाँ पर है डी आई डबल एस ए डबल पी ई आर और डी आई एस ए डबल पी ई आर। बताइए जल्दी से कमेंट करके यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग होगी आपकी राइट। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्पेलिंग है ये है रॉन्ग, एंड डिसअपीयर में ये होगी आपकी राइट। ठीक इसी तरह हमारे 10 नंबर का वर्ड आता है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का ये बताना है कि कौन सी स्पेलिंग, डी आई डबल एस एंड डी आई एस। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि डिसअपॉइंटमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी दोस्तों वो होगी डी आई एस ए डबल पी वाई एन टी, एंड ये होगी आपकी रॉन्ग डबल एस में जो लिखी हुई है ये रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है 11 नंबर नीस। तो यहाँ पर नीस की स्पेलिंग करेक्ट बताना है, एन ई आई होता है या एन आई ई होता है। करेक्ट स्पेलिंग जल्दी से बता दीजिए कि नीस की क्या करेक्ट स्पेलिंग होती है, एन आई ई सी ई या एन ई आई सी ई, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ये आपकी फर्स्ट वन रॉन्ग, आई ई नहीं होता है, सॉरी ई आई नहीं होता है, आई ई होता है, तो ये आपकी होगी राइट। इसके बाद आपका लास्ट वर्ड आता है इस क्लास का प्रिविलेज। प्रिविलेज का बताना है करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। फर्स्ट स्पेलिंग है पी आर आई वी आई एल ई जी ई और पी आर आई वी आई एल ई डी जी। कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी आप जल्दी से हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी फर्स्ट वन पी आर आई वी आई एल ई जी ई, और प्रिविलेज में ये आपकी होगी रॉन्ग। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ये जो जितने भी मैंने स्पेलिंग लिए हैं ये सब पिछले पेपर में आई हुई वर्ड्स ही है यहाँ पर, और जो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।